हमारे सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्री फॉर विच 10x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 10x प्लस 50 डिग्री इंटू 10x इंटू 10x माइनस 50 डिग्री। इसका सोल्यूशन इस प्रकार होगा, 10x प्लस 100 ये 10x माइनस 50 है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 10x प्लस 50 और 10x 10x प्लस 100 को साइन x प्लस 100 बाई कॉस x प्लस 100 ए डिनोमिनेटर में 10x माइनस 50 है, अगर ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट x माइनस 50 को कॉस x माइनस 50 बाई साइन x माइनस 50 इक्वल टू इसे साइन x प्लस 50 बाई कॉस x प्लस 50 10x को sin x by cos x करते हैं। अब हम कंपोडेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा टर्म माने sin 100 x plus 100 cos x minus 50 प्लस ए डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस ए डिनोमिनेटर इक्वल टू ए न्यूमरेटर प्लस ए डिनोमिनेटर बाई ए न्यूमरेटर माइनस ए डिनोमिनेटर, मतलब कंपोडेंडो डिविडेंडो है ना कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी डी then a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus b। ये पूरा टर्म अगर a बराबर हम पकड़ ले x plus 100 और b बराबर पकड़ ले x minus 50 तो sin a into cos b plus cos a into sin b यानि sin a plus b intervening sin यहाँ पर plus होगा। नीचे का है sin a into cos b minus cos a into sin b means sin a minus b, तो साइन ए के लिए x प्लस 100 माइनस बी जब माइनस करेंगे तो x माइनस हो जाएगा और ये माइनस 50 है प्लस 50 इक्वल टू ए बी। ए टर्म x प्लस 50 को ए और x को बी पकड़ लें तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी। नीचे अगर हम माइनस कॉमन ले लेने पर ए हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 50 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 50 यानी ए हो जाएगा कॉस ए प्लस 50 इंप्लाइज एक्स प्लस एक्स टू प्लस 100 माइनस 50 मीन्स प्लस 50 बाई साइन एक्स एक्स कैंसिल 100 से प्लस 50 ये माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है एक्स एक्स कैंसिल कॉस 50 बाई कॉस 2x प्लस 50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 2x प्लस 50 इंटू कॉस 2x प्लस 50 इक्वल टू साइन 150 माइनस कॉस 50 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन 150 को साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और कॉस 150 को कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 50 को अगर थीटा पकड़ लें तो ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माने साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा के लिए तो 2x प्लस 50 पकड़ा था, इससे 2x प्लस 50 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 100 इक्वल टू ए माइनस 2 साइन 180 माइनस 30 डिग्री मीन साइन 30 जिसका वैल्यू हाफ होता है कॉस 180 माइनस 50
cos 80 माइनस यहाँ 50 होगा, ये भूल से लिखा गया है, तो ये हो जाएगा sin 40। ए टू से टू कैंसिल, माइनस साइन 40, माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन 40 डिग्री मान सकते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, तो 4x बराबर ये 100 इधर चल गया, x बराबर पूरे टर्म में 4 का डिवाइड होगा, पाई बाई 4 माने 45 डिग्री इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर n इंटू 40 में 4 का डिवाइड करेंगे 10 और 100 में 4 का डिवाइड करेंगे 45, ये टर्म का मिलेगा, ये सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन। तो यहां पर n जो है वो एक इंटीजर है जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसा होगा, तो जब n के लिए 0 बैठाते हैं तो x माइनस 35 आ रहा है, n के लिए 1 बैठाते हैं तो 30, n के लिए 2 बैठाते 55, जब x जब यहाँ पे n के लिए, तो यहाँ पर जब n का वैल्यू 1 होने पर मिनिमम एंगल हमें x का वैल्यू मिनिमम 30 आ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ x हमारा 30 होगा, यही हमारा आंसर है।